दहेज के खातिर पत्नी को 3 तलाक दिया। जी हाँ, दहेज की मांग पूरी न करने पर पति ने विवाहिता से अप्राकृतिक मैथुन करा डाला। विरोध करने पर पति ने पत्नी को 3 तलाक भी दे डाला। हवाला के नाम पर देवर ने दुष्कर्म कर डाला। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस ने पति और देवर समेत 7 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आरोप आप खुद एक महिला के जुबानी सुनिए और साथ में पुलिस का क्या कहना है ये भी आप सुनिए। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ शादी को 1 साल हो गया था, फिर शादी से बाद में 1 साल के बाद मांग करने लगे वो। अच्छा, आपकी शादी कहाँ पर हुई थी, कौन से गांव में आपकी? काशीपुरांगे में हुई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ था? उन्होंने गाड़ी की मांग करी थी, दहेज की, वेगनार गाड़ी मांगते थे, 10 लाख रुपए नगद मारते थे मुझे। मेरे घर वाले कमजोर थे, ना दे पाए तो मुझे तलाक दे दिया, 3 बार तलाक। अच्छा, कौन मारते थे आप? ससुर मारते, पिटवाते थे, आदमी मारते थे हमारे घर के जो हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ था? फिर उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, तलाक दे के 3 बार। किसने बंद करा था कमरे में? कमरे में ससुर ने बंद करा था। अच्छा, जी, आपके ससुर, वो आपके घर वालों ने 3 तलाक दे दिया था, फिर क्या हुआ था? फिर छोटे वाले देवर के साथ गलत सम्मत जुड़वाए, मेरे हलाला करवाने की करी थी, हलाला मेरे साथ करवाया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? जबरदस्ती हलाला करवाया था। सुबह को मैं निकल के आई थी घर से उनके, बहुत कठिन से। फिर मैंने घर वालों को आके बतलाया तो घर वालों ने थाने में रिपोर्ट लिख दिया। अच्छी, तो आप क्या चाहते हैं? अब तो मैं इंसाफ चाहती हूँ। सर, स्वार क्षेत्रांतर्गत महिला के साथ 3 तलाक और हलाला का मामला सामने आया, क्या है पूरा प्रकरण? थाना स्वार क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना स्वार पर तहरीर दी गई कि उसके ससुरालीजन दहेज के लिए उसका उत्पीड़न करते हैं, मारपीट करते हैं और उसका पति फरीद पुत्र खुर्शीद उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है। उसे उसके पति द्वारा 3 तलाक भी दे दिया गया और हलाला के नाम पर उसके देवर परवेज द्वारा उसके साथ बलात्कार भी किया गया। सुसंगत धाराओं में थाना स्वार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तारी कर आगे कार्रवाई की।